थे जिस दिन पावर मिनिस्टर आए, आपके ध्यान में है, उस दिन भी यह कहा गया था कि जो तात्कालिक रूप से प्रोजेक्ट निर्माण में भी लोग लिए जाएंगे उनमें भी बहुत ही स्किल्ड लोगों को छोड़कर के बाकी सभी जम्मू कश्मीर के ही युवा होंगे। और इसको मैं जिम्मेदारी से और दृढ़ता से इस बात को कह रहा हूं, इसको सुनिश्चित कराया जाएगा। मैंने उस दिन भी आपसे जिक्र किया था कि अब मोबाइल की तरफ प्रीपेड मीटर्स भी लग रहे, तो जो पैसा दे वो बिजली जरूर पावे, ये मुझे लगता है कि सब लोग चाहें। हाँ, ये जरूर है, कुछ ऐसा तबका है जो बिजली का खर्च नहीं वहन कर सकता है, तो उसको सरकार जरूर मदद करेगी, चाहे वो खेती में लगे हुए लोग हैं चाहे गरीब लोग। लेकिन ये व्यवस्था हम आने वाले समय में लागू करना चाहते हैं कि जो भुगतान करता है वो बिजली जरूर पावे और निश्चित रूप से पावे, निर्बाध गति से पावे और क्वालिटी पावे। शुरुआत में ही ये बात कही आपसे कि 24/7 पावर कैसे मिले, इसके लिए आज एक प्रेजेंटेशन है, इसमें मैंने आपसे जिक्र किया कि शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म, ये तीन स्ट्रेटजी हम बना के चल रहे हैं। मैं थोड़ा यहाँ से हट करके कश्मीर की ओर जाना चाहता हूँ, जहाँ आप सबको मालूम है कि बर्फबारी अनप्रेसिडेंटेड स्नोफॉल हुआ है पिछले कई वर्षों। लेकिन आपसे मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि जरा इसको आप तहकीकात करें कि पिछले वर्षों की तुलना में इस वर्ष बिजली की क्या स्थिति। सामान्य रूप से हर व्यक्ति कह रहा है कि 17-18% पावर पिछले साल से ज्यादा मिली, और एक लक्ष्य हम सबने तय किया था कि ग्रामीण इलाके में, रूरल एरिया में ट्रांसफार्मर जलेगा तो 48 आवर्स में बदल देंगे और शहरी अर्बन एरिया में 24 घंटे। और मुझे खुशी है इस बात को आपको बताते हुए कि लगभग 96% से ज्यादा ट्रांसफार्मर समय सीमा के भीतर कवरेज में। जम्मू की समस्या थोड़ी उससे भी विकट है, और मैं उस दिन भी मैं कह रहा था कि गर्मियों में जम्मू की परेशानी बढ़ जाती है, कुछ गैप्स क्या क्या है ये हम लोगों ने आइडेंटिफाई किए और हम त्वरित कार्रवाई करके इस गर्मी में आपको राहत मिले ये काम सुनिश्चित करेंगे। और आने वाले दिनों में उसके लिए थोड़ा समय दीजिए, ये सुनिश्चित करें कि हर गांव में, हर घर में बिजली 24 घंटे मिले, इसका इंतजाम करें। क्योंकि 26 जनवरी भी आने वाली है। देखिए सरकार की दिक्कत क्या है, सरकार भी प्राइवेट सेक्टर हो सकता है, प्रतिभाओं की कमी सरकार में नहीं, लेकिन संयोग से मैं ऐसा मानता हूँ, अच्छे काम करने वालों को कैसे पुरस्कृत करना और खराब काम करने वालों को कैसे दंडित करना, ये व्यवस्था सरकार नहीं बना पाई। मुझे लगता है कि आप लोग इसी तरह जागरूक रहेंगे तो ये व्यवस्था सरकार में भी जल्दी बन जाएगी। सर, मैं शामवास न्यूज स्टेशन का चेकिंग डे 18 लोगों ने अगले दिन, बहुत कम लोगों ने वैक्सीनेशन कराया है, तो इसके लिए क्योंकि अवेयरनेस की भी कमी लग रही है और अफवाहें भी बहुत ज्यादा फैल रही है, उसके लिए सरकार क्या कर रही है? निश्चित रूप से जागरूकता बढ़ाने की जरूरत है, इसके लिए जो करना होगा वो किया जाएगा। मुझे लगता है कि कुछ लोग हैं जो अफवाह फैलाने में ही माहिर है, मैं आपके माध्यम से और आप सब लोगों के माध्यम से जम्मू कश्मीर के लोगों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि जो भी साइंटिफिक रेगुलेटरी अथॉरिटीज हैं, जो मानदंड हैं, वो उस पर पूरी तरह से दोनों वैक्सीन हमारी खरी उतरी है, और इसमें हमको या और किसी को राय देने की जरूरत नहीं है, ये डॉक्टरों पर और साइंटिफिक कम्युनिटी पर छोड़ देना चाहिए, और उन्होंने पूरी जिम्मेदारी से इस बात को कहा है। और मैं सभी लोगों से निवेदन करूंगा कि जिनका टर्म आ रहा है वो जाकर के वैक्सीन लें, नहीं तो पीछे छूट जाए। थैंक यू सर। मैं रजत बोरा द न्यूज़ नाउ से एक सवाल है सर। ये यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की आयु सीमा 32 साली है। जम्मू कश्मीर में पिछले वर्ष कुछ लोगों ने तैयारी की होगी और इसके कारण इस वर्ष वो परीक्षा में शामिल हो सके, इसलिए 1 साल की रिलैक्सेशन दी गई है। मैं सभी नौजवानों से विनम्रता पूर्वक कहना चाहता हूँ कि पूरे देश की प्रतिभाओं से कम प्रतिभा यहाँ नहीं है, उनमें पूरी क्षमता है, सामर्थ्य है, वो देश के बाकी हिस्सों के लोगों के साथ कम्पीट कर सकते हैं। तो अब 40 साल में नौकरी करेंगे तो क्या करेंगे, आप खुद सोचिए, कुछ आराम कीजिए उन पर भी और कुछ आराम कीजिए सरकार पर। मैं राजीव, एक विशेष बैठक हम सब करने वाले थे जिसमें मुख्य सचिव और रोहित कंसल जी और भी कुछ लोग रहने वाले थे,
एक विशेषज्ञों की समिति आज जम्मू कश्मीर में 24/7 पावर कैसे मिले, ये काम उनको सौंपा गया था। उन्होंने शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म किस तरह से इसको करना है उसका प्रेजेंटेशन था। संयोग की बात है कि आज भारत सरकार की कैबिनेट में जो प्रधानमंत्री जी के अध्यक्षता में आज संपन्न हुई, उसमें एक आप सबके ध्यान में होगा कि लंबे समय से रटले प्रोजेक्ट का नाम आप सब सुन रहे हैं, आज भारत सरकार ने उसे स्वीकृति प्रदान कर दी है और उसकी कुल लागत 5822 करोड़ रुपए है। ये 4000 डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जॉब क्रिएट करेगा। आप पिछले बार आप सब प्रेस कॉन्फ्रेंस में थे जिसमें यह भी बताया गया था कि क्वार 540 मेगावाट पहले से डिसाइड किया हम लोगों ने टेकअप करने का, जिसकी कुल लागत 4264 करोड़ है और उसमें भी 2000 जॉब्स डायरेक्ट और इनडायरेक्ट क्रिएट होंगे। 4 और पावर प्रोजेक्ट्स पर उस दिन एनएचपीसी के साथ हम सब ने एमओयू पर साइन किया था, क्रिसाइड 2 930 मेगावाट, सवालकोट के 1356 मेगावाट, पूरी स्टेज 2 240 मेगावाट एंड गुलहस्ती स्टेज 2 258 मेगावाट। ये उस दिन मैंने बताया था कि 31,000 करोड़ रुपए का ये इन्वेस्टमेंट इन चारों परियोजनाओं पर आएगा। अब आपके ध्यान में होगा कि 2 ऑनगोइंग प्रोजेक्ट हमारे यहां है, पकलडुल 1000 मेगावाट और कीरू 624 मेगावाट, ये चेनाब रिवर पर है और उनकी ट्रिब्यूटरीज पर है। इसमें भी अगर इसके इन्वेस्टमेंट को और टोटल को जोड़ लें तो केवल पावर प्रोजेक्ट्स में, खासतौर से हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स में 52,821 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आने वाले समय में हो रहा है और मोटे तौर पर 12,000 डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जॉब्स इससे क्रिएट होने वाले हैं। उस दिन जब पावर मिनिस्टर यहां थे, आप सबने सुना कि मिनिस्ट्री ऑफ पावर और मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट मिलकर के ये ट्रेनिंग सेंटर्स यहां इन प्रोजेक्ट के साथ एनएचपीसी स्टार्ट करेगी ताकि यहां के स्थानीय युवकों को ट्रेन करके उन्हें इन प्रोजेक्ट्स में लगाया जा सके। अब अगर मैं थोड़ा पीछे आपको ले जाऊं तो 2018 के पहले 47 से 2018 तक मोटे तौर पर आप देखिए तो 3500 मेगावाट बिजली का जनरेशन जम्मू कश्मीर में होता है और 18 से और आज की बात जहां जिस तारीख में खड़ा हूं, आने वाले 5 सालों में 6300 मेगावाट, 6300 मेगावाट माने जो हमारी कैपेसिटी 47 से 2018 तक थी उससे दुगुना पावर मोटे तौर पर हम आने वाले 5 साल में बनाने जा रहे हैं। इसके लाभ आप स्वाभाविक रूप से समझ सकते हैं कि एक तो सेल्फ रिलायंट पावर में हो जाएगा स्टेट, पावर डेफिसिट से पावर सरप्लस स्टेट हम बनेंगे, फास्टर ग्रोथ होगी, डेवलपमेंट होगा और 12,000 डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जॉब्स भी क्रिएट होंगे। जहां तक इस रटले प्रोजेक्ट की कुछ विशेषताओं का भी मैं जिक्र करना चाहूंगा, मैंने पहले आपको बताया कि ये 5,281.94 करोड़ की लागत से 850 मेगावाट का ये हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट होगा और इसमें 51% एनएचपीसी का और 49% जेकेएसपीडीसी की इक्विटी होगी। जो सबसे मजेदार बात है, या मैं कहूं कि शायद ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि बिना एक पैसे लगाए जम्मू कश्मीर एक पावर प्रोजेक्ट में आधे का हिस्सेदार लगभग आधे का बनने जा रहा है। जो इक्विटी हमारी है 776.44 करोड़, ये भारत सरकार दे रही है और जो 51% एनएचपीसी का है वो एनएचपीसी खुद वहन करेगा।
आज जो तय हुआ है कि ये 60 महीने में मैंने 5 साल में कमीशन कर दिया जाएगा, ये प्रोजेक्ट वायबल हो इसके लिए हमने कुछ कंसेशन दिए। और मैं, मुझे याद नहीं है, आपसे भी मैं चाहूंगा कि आप पता करें, ये देश की पहली पावर प्रोजेक्ट है कि जिस साल कमीशनिंग शुरू होगी उसी साल से पावर मिलना हमें शुरू हो जाएगा। ये ऐसा एमओयू देश के किसी राज्य ने आज तक नहीं किया था। 1% से शुरू होगा और 12 साल में 12% हमको मिलेगा। अगर मैं पैसे में, रुपए में इसकी कीमत आंकूं तो 5,289 करोड़ की पावर हमें मुफ्त में मिलेगी और वाटर यूजेज चार्ज के रूप में 9,581 करोड़, ये 40 वर्षों में हमें प्राप्त होगा। शायद जम्मू कश्मीर नहीं, देश के किसी राज्य को भारत सरकार ने इस तरह से मदद नहीं किया था। मैं देश के सम्माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का और भारत सरकार की पूरी कैबिनेट का अपनी ओर से और आप सबकी ओर से, जम्मू कश्मीर के लोगों की ओर से हृदय से आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। एक बात मुझे लगता है कि ये आवश्यक है आज कहना कि मित्रों, इस प्रोजेक्ट के पीछे की असली कहानी क्या है, ये आप में से शायद कुछ लोगों को मालूम होगा। लंबे समय से आप रटले रटले सुन रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि कमी थी दृढ़ इच्छा शक्ति की। पाकिस्तान बार बार धमकी देता था कि यार इंटरनेशनल कोर्ट में ले जाएंगे आर्बिट्रेशन के लिए, वर्ल्ड बैंक ले जाएंगे, वर्ल्ड बैंक में रिप्रेजेंट करेंगे, तो जो सरकारें थी शायद वो फैसला इस कारण से नहीं ले पाती थी। आज देश को एक मजबूत नेतृत्व है जिसने सब कुछ दरकिनार करके जम्मू कश्मीर के हितों को सर्वोपरि मानते हुए इस प्रोजेक्ट की स्वीकृति भी प्रदान की है और इक्विटी का पैसा भी जम्मू कश्मीर के लिए भारत सरकार की ओर से उपलब्ध कराया है। मैं फिर से एक बार देश के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। थैंक यू।